प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू होने वाला है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, पूरे देश की निगाहें इस पर हैं। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह भारत के लोकतंत्र की गरिमामय घटना के रूप में इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह अपील भी किया कि पिछली जनवरी से हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उसके साथ जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जो बात जनता तक बतानी थी बता दिया, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। देशवासियों ने अपना फैसला दे दिया है। अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य है कि देश के लोगों के लिए, अब सभी सांसदों की यह जिम्मेदारी है कि वे दल से ऊपर उठकर देश के लिए लड़ें। सुनिए और क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है।